जो काम हम हिंदी गठबंधन से लेना चाहते थे वो हम अपना एक मजबूत गठबंधन बनाए और वो आज इत्तेफाक़े राय से बन गया, हमारा अपना मुत्तहिदा महाज कायम हो गया और तमाम सेक्युलर जमातों को आज ये दावत दी जाती है। ऑल इंडिया इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा खान ने छोटे दलों को जोड़कर नया गठबंधन खड़ा कर लिया है। इसका ऐलान दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने इंडिया गठबंधन के बनने और बिखर जाने को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ये भी कहा कि सभी सरकारों को देख चुके, कोई भी कसौटी पर खरी नहीं उतरी है, लिहाजा जो काम हम इस देश में बने इंडिया गठबंधन से लेना चाहते थे अब हम अपने बूते करेंगे। हमारा मुतहद्दा मुआज कायम हो गया। दबे कुचले दलित शोषित ओबीसी अल्पसंख्यकों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश ईमानदारी के साथ होगी। अपनी समस्याओं परेशानियों का समाधान अब हम खुद कराएंगे। तमाम सेकुलर लोगों को गठबंधन में आने की दावत देते हैं। सच्चे सेकुलरिस्ट का इस गठबंधन में स्वागत है। हमें ये महसूस हुआ था जब इंडी गठबंधन बन गया था तो हमें ऐसा लगा कि शायद इनको हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन सामने आ गया है, लेकिन उस कांग्रेस की गलत पॉलिसीज की वजह से वो गठबंधन भी बिखरता हुआ नजर आया और ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी ताकतों का मुकाबला करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। तो तमाम जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो देश का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो तमाम लोग आज जमा हुए और सबका मुत्तफ़िका फैसला ये है कि जो काम हम इंडी गठबंधन से लेना चाहते थे वो हम अपना एक मजबूत गठबंधन बनाए और वो आज इत्तेफाक़े राय से बन गया, हमारा अपना मुत्तहिदा महाज कायम हो गया और तमाम सेक्युलर जमातों को आज ये दावत दी जाती है कि आज तक दबे कुचले तमाम लोग, मुसलमान और दलित और ओबीसी एससी तमाम लोग आपका झंडा उठाते रहे हैं, आपको नेता बनाते रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि आज कोई भी एजेंसी आजाद नहीं है, सबके ऊपर सरकार का दबाव है, यहां तक के चुनाव आयोग तो फिर बहुत दूर की चीज है। जैसे अभी पाकिस्तान की बदनामी हुई आप लोगों ने भी देखा होगा कैसा तमाशा उनका बना, ऐसा तमाशा हमारे देश का नहीं बनना चाहिए, हमारे चुनाव आयोग का नहीं बनना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि आम मांग है कि ईवीएम हटाओ तो ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। मौलाना ने इस मौके पर चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किए जाने को लेकर भी आवाज उठाई। बहरहाल नया गठबंधन बन गया है लेकिन उसका नाम अभी सामने नहीं आया है। इस नए गठबंधन का मकसद चुनाव लड़ना ही है। मौलाना, जिस तरह से कांग्रेस, भाजपा और दूसरे दलों पर बिगड़े हैं उससे साफ है कि वो इनसे अलग चुनाव लड़ेंगे। यूपी के जिला बरेली मौलाना तौकीर रज़ा खान का गृह जनपद है। जाहिर सी बात है कि यहाँ से भी इस नए गठबंधन का उम्मीदवार सामने आएगा। इसका पूरा स्वरूप क्या है जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मौलाना तौकीर रज़ा खान दिल्ली से बरेली लौट आए हैं, उनसे बात करने के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।